बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलिक क्रिकेट क्लब वर्सेस चांडिया क्रिकेट क्लब। पहली गेंद 73 रन का टारगेट है। 5 ओवर में नासिर पोला बॉलिंग कराने के लिए तैयार हैं। सामना करेंगे मुअव्विज। उभरते हुए प्लेयर आए दौड़े बैक क्रॉस के गेंद की, अच्छी गेंद की है। स्लोर वन बॉल मुकम्मल बीट हुए। दूसरी गेंद कराने के लिए तैयार आए दौड़े बैक क्रॉस के गेंद, बहुत ही अच्छी शॉट, ऊंचा खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे, बहुत ही अच्छा कैच। दो गेंदें हो चुकी हैं, एक प्लेयर आउट। बहुत ही अच्छी शॉट, ऊंचा खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच अब्दुल बासित ने किया है। एक हाथ से, वो भी लेफ्ट हैंड से कैच किया है, बहुत ही अच्छा कैच। तीन बार पहले ओवर दो विकेट के नुकसान पे नासिर दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस की और बहुत अच्छे अहमद बीट हुए। पहले ओवर का खेल जारी, चार बॉल कोई स्कोर नहीं, दो विकेटों के नुकसान पे मेरे क्रिकेट क्लब चांडिया क्रिकेट क्लब के दरमियान 73 का टारगेट। नासिर पोला अंपायर को दौड़ते हुए बॉल की और अहमद को बीट। नासिर पोला दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस कर गेंद की और मलिक अहमद बीट हो गए और जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए नासिर पोला शानदार एक विकेट भी ले चुके हैं इस ओवर में। दो स्कोर हुआ पहले ओवर के इख्तिताम पर और स्कोर कुछ भी नहीं बना इस ओवर में और एक विकेट के नुकसान पे एक जीरो स्कोर, किसी ने खाता भी नहीं खोला अभी तक मलिक इलेवन ने। मुबाशिदात गेंद के लेकर तैयार मोहम्मद यूसुफ को गेंद की और ये वाइट बॉल जबरदस्त इस वक्त जो है ना चांडिया क्लब की क्रिकेट क्लब की परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस। अभी तक दो विकेटों के नुकसान पे अभी मलिक इलेवन अपना खाता भी नहीं खोल सके, दो आउट कर दिया चांडिया इलेवन ने और ये जबरदस्त मैच शॉट और ये चार रन चौका चौका चार रन अभी मोहम्मद यूसुफ ने अपना अकाउंट खोला और ये मलिक इलेवन की तरफ से चार स्कोर हुए हैं। 78 का टारगेट का पीछा करते हुए मलिक इलेवन दो विकेटों के नुकसान पे चार स्कोर। राशिद चांडिया क्लब की तरफ से बॉलिंग करते हुए आए गेंद की और ये वाइड बॉल, राशिद आए गेंद की और ये मोहम्मद यूसुफ ने उठा दिया ऊपर की जा रहे हैं और ये देखते हैं क्या होता है गेंद फिल्टर के नीचे और ये सिक्स। बढ़ता हुआ स्कोर 10 हो गया और ये बेहतरीन बैटिंग करते हुए मोहम्मद यूसुफ राशिद दौड़ते हुए गेंद गेंद की एक और सिक्स लॉन्ग ऑन की जा रहे, एक और सिक्स जबरदस्त सिक्स जबरदस्त। अब बढ़ता हुआ स्कोर 16 स्कोर 16, दूसरे ओवर में 16 स्कोर हो गया बेहतरीन स्कोर। मोहम्मद हिदायतुल्ला मलिक हिदायतुल्ला का अपने फराइज सर अंजाम देते हुए अंपायरिंग के बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ, लगातार दो गेंदों पर छक्के लगा दिए। उससे पिछली गेंद पे थी तीसरी गेंद में उन्होंने चौका लगाया था। बढ़ता हुआ स्कोर 16 मोहम्मद राशिद आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और ये बीट हो गए वाइड बॉल, बीट हुए बैट्समैन, अब वाइड बॉल थी। अब मोहम्मद राशिद आए गेंद की और ये बैट्समैन नहीं खेल सके, समझ नहीं सके, बैट को नहीं घुमा सके। यकीनन अगर घुमा लेते तो सिक्स, ये जरूर सिक्स लगना था लेकिन हौसले के साथ साथ थोड़ी सी अक्लमंदी से बैटिंग करते हुए बेहतरीन बैटिंग करते हुए मोहम्मद यूसुफ सामना करेंगे मोहम्मद राशिद का। मोहम्मद राशिद गेंद की और ये बैट्समैन बीट हो गए, बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन बैट्समैन को खेलने के लिए कोई मौका ना मिल सका, इतनी तेज गेंद थी। मोहम्मद राशिद मलिक चांडिया इलेवन की तरफ से आए गेंद की और ये वाइड बॉल, मोहम्मद राशिद दौड़ते हुए एम्पायर को नस के गेंद की और यह एक बार फिर उठा दिया और यह फुल फील्डर गेंद के नीचे और ये आउट। मोहम्मद यूसुफ बदकिस्मती से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर नाकाम हुए, आउट हो कैच आउट हो गए। मोहम्मद राशिद की गेंद पे इस वक्त मैच
मलिक चांडिया लेवल के हाथ में। मलिक अहमद ने आने वाले बैट्समैन, मलिक अहमद अभी तक तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। अब ये सामना करेंगे हमजा का, जो कि हमजा चांडिया अलेवन के कप्तान है। बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और इनके सामने बैट्समैन भी बहुत कमाल के बैट्समैन। मलिक अहमद सामना करेंगे हमजा का और ये वाइड बॉल। हमजा चांडिया दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की और ये जबरदस्त, मलिक अहमद ऊपर की तरफ उठा दिया, फील्डर गेंद के नीचे है। अब देखते हैं आउट होता है या नहीं, और ये आउट। मलिक अहमद का तीसरा बड़ा नुकसान, मलिक अहमद की सूरत में इनको उठाना पड़ा। अब तक मैच चांडिया इलेवन के हाथ में, 87 का टारगेट का पीछे करते हुए। अब जियाउल्लाह लेमोजीन गेंद करने सामना करेंगे हमजा चांडिया का। हमजा चांडिया गेंद करने के लिए आए, अभी तक ये विकेट भी ले चुके हैं और ये जबरदस्त गेंद, बीट हुए बैट्समैन गेंद को समझ नहीं सके। बहुत जबरदस्त बैट बॉलर का मुजाहरा करते हुए टीम चांडिया इलेवन। हमजा दौड़ते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की और ये आगे के सामने की जानब खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया। बढ़ता हुआ स्कोर 17। मोहम्मद शुएब, जो कि मलिक इलेवन की जान, सुपरस्टार खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर, सामना करेंगे हमजा का। हमजा कप्तान, हमजा आए गेंद की और ये बीट हुए बैट्समैन, बहुत अच्छा जोरकर का जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए चांडिया इलेवन के बॉलर। अंपायर के फैसला अंजाम देते हुए मलिक कारी हदायतुल्ला, जो कि मलिक इलेवन के वाइस कप्तान है, अच्छे बैट्समैन है, अच्छे बॉलर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। हमजा चांडिया आए गेंद की और ये खेल दिया सामने की जानेब, गेंद फील्डर के हाथ में और ये बढ़ता हुआ स्कोर 18 हो गया। जबरदस्त दूसरे ओवर का खेल जारी। हमजा आए गेंद की और ये बीट हो गए बैट्समैन जियाउल्लाह, जो कि गेंद को समझ नहीं सके। इस ओवर के इख्तिताम पे 18 स्कोर और 3 खिलाड़ी आउट पे। इस वक्त मैच चांडिया इलेवन के हाथ में। अब देखते हैं, अब इस मैच को जीतने के लिए मलिक इलेवन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अभी तक तो मैच चांडिया इलेवन के हाथ में। मोहम्मद शुएब सामना करेंगे राशिद का और ये खेल दिया सामने की जानेब और यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर 2 स्कोर बढ़ता हुआ 20 स्कोर हो गया। तीसरे ओवर का खेल जारी, चौथे ओवर का खेल जारी और ये बैट्समैन बीट हो गए। चांडिया इलेवन इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में, बेहतरीन बॉलिंग करते हुए। मोहम्मद राशिद गेंद के और ये खेल दिया सामने की जाने कवर में, वहां पर फील्डर मौजूद, हमजा वही कप्तान चांडिया इलेवन के। बढ़ता हुआ स्कोर 21 हो गया। तीसरे ओवर का खेल जारी, 21 स्कोर 78 टारगेट का पीछा करते हुए और नो बॉल और ये जबरदस्त नो बॉल पे। अब देखना है कि अब आउट नहीं हुए और कैच भी नहीं हुआ, नो बॉल थी।